हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपकी ज़रूरतों और डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को वेतन के विषय में जानकारी प्रदान करने चल रहा हूं। दोस्तों, बहुत सारे हमारे नए साथी हैं जिनकी नियुक्ति अभी हुई है, या हमारे बहुत सारे पुराने साथी भी हैं जो अभी बहुत सारी बातों को उन्होंने कभी गौर नहीं किया। तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस ओर कि आखिर ग्रेड पे क्या होता है या ग्रेड पे कितना है, पे बैंड क्या होता है, मूल वेतन क्या होता है, इंडेक्स क्या है, लेवल क्या है, सेवंथ पे मैट्रिक्स क्या है, इंक्रीमेंट कब और कितना, एनपीएस कितना कटता है, डीए क्या है, जीपीएफ क्या है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको मेरी इस वीडियो में प्राप्त होने वाला है। वीडियो में धैर्य पूर्वक ध्यान से सुनिए और बने रहिए, क्योंकि इसका कोई पीडीएफ नहीं है। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो मैं आगे बढ़ता हूं और आपको जो है बात करता हूं। चलिए, आपके सामने यहां पर प्रस्तुत है सेवंथ पे मैट्रिक्स। तो आइए दोस्तों, हम पहले सेवंथ पे मैट्रिक्स के पहले की बात कर लें। यह सेवंथ पे मैट्रिक्स 1/1/2016 से लागू हुई है, अर्थात 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ है। इसके पहले समय समय पर 10 साल के बाद वेतन आयोग आते थे और वेतन में संशोधन किया करते थे। इस बार जो वेतन में संशोधन हुआ है वह 1 जनवरी 2016 को हुआ है, और 1 जनवरी 2016 के बाद ये कहा गया है कि अब वेतन में कोई संशोधन नहीं होगा, अर्थात कोई वेतन आयोग नहीं आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है एक पे मैट्रिक्स बना दिया है और इसी पे मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हल्का सा बड़ा करते हैं, और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सेवंथ पे मैट्रिक्स में क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपना ध्यान यहां पर लगाइए जहां पर लिखा हुआ है पे बैंड। पे बैंड सब शुरुआत में है 5200 से लेकर के 20200 तक, दूसरे नंबर पर है 9300 से लेकर के 34800 तक। तो दोस्तों, हमारा जो अध्यापक वर्ग है इसी पे बैंड में आता है। सहायक अध्यापक, जूनियर का सहायक अध्यापक, और प्राइमरी का हेड, जूनियर का हेड, और इसके साथ इंटर कॉलेज के लेक्चरर, ये चारों को मिलाकर के जो है देख पा रहे हैं आप यहां पर 9300 से लेकर 34800, यही में इसी में हमको देखना है, इसी को समझना है, क्योंकि हम अध्यापक हैं तो हम अपनी कैटेगरी में रहकर के समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आप जान लीजिए कि आपका पे बैंड, अगर कोई पूछता है कि आपका पे बैंड कितना है, तो आप बोलेंगे कि मेरा पे बैंड है 9300 से लेकर के 34800। भले ही आप प्राइमरी के अध्यापक हों, हेड टीचर हों, जूनियर के सहायक हों, जूनियर के हेड हों, या फिर आप इंटर कॉलेज के लेक्चरर हों, यानी आपका जो पे बैंड है 9300 से लेकर के 34800, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ग्रेड पे। ग्रेड पे आप देख पा रहे हैं यहां पर पे बैंड के नीचे लिखा है ग्रेड पे। ग्रेड पे के सामने आइए तो ग्रेड पे यहां पर चार ग्रेड पे आपको दिख रही हैं, 4200, 4600, 4800 और 5400, यानी 5400। तो जो प्राइमरी का सहायक अध्यापक की प्राथमिक नियुक्ति होती है वो 4200 ग्रेड पे पर होती है, और उसके बाद प्राइमरी का हेड या जूनियर का सहायक जो होता है तो 4600 ग्रेड पे हो जाता है, और जब जूनियर का हेड कोई हो जाता है तो उसकी ग्रेड पे 4800 हो जाती है, और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का भी ग्रेड पे 4800 होता है। उसके बाद फिर आगे 5400 जो ग्रेड पे है ये इंटर कॉलेज के लिए है, ठीक है। चलिए हम यही सीमित रहते हैं, 4200, 4600 और 4800 में ही बात करते हैं, क्योंकि हमारी आपकी कहानी यहीं पर शुरू होती, यहीं खत्म होगी। प्राइमरी सहायक, प्राइमरी का हेड, जूनियर का सहायक, जूनियर का हेड, जूनियर का सहायक और प्राइमरी का हेड दोनों बराबर होते हैं, उनका ग्रेड पे होता है 4600। जूनियर का जो हेड होता है उसका ग्रेड पे होता है 4800, और प्राइमरी का जो सहायक होता है उसका होता है ग्रेड पे 4200।
तो दोस्तों इसके पहले जो मूल वेतन बनता था अर्थात सातवें वेतन आयोग के पहले 1 जनवरी 2016 के पहले जो मूल वेतन कहलाता था, मूल वेतन यह होता था कि ग्रेड पे का शुरुआती 9300 और 4200, अगर आप मान लीजिए कि प्राइमरी के सहायक की बात हम कर रहे हैं तो 9300 और 4200 जोड़ देंगे तो यह हो जाता है 13500, यानी किसी सहायक का शुरुआती जो मूल वेतन था वो 13500 हुआ करता था। ठीक है, ऐसे ही 4600 वाले को 4600 में जोड़ दीजिए 9300, ऐसे ही 4800 में 9300 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो पहले मूल वेतन निकलता था, लेकिन सातवें वेतन आयोग आने के बाद, अब आप सभी सातवें वेतन आयोग में जी रहे हैं तो हम सातवें वेतन आयोग की ही बात करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आप प्राइमरी के सहायक हैं, आपसे कोई पूछता है कि आपका पे बैंड कितना है, पे स्केल कितना है, तो आप बताएंगे 9300 से लेकर 34800। आखिर 34800 शुरुआती फिगर तो सही है, जब किसी की नियुक्ति होती है तो 9300 रहता है, 34800 क्या है? तो दोस्तों हर साल जो इंक्रीमेंट होता है, ये जो है इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीमेंट आपका पे बैंड और ग्रेड पे दोनों को मिला करके 3% की दर से इंक्रीमेंट होता था, और वो जो है जुड़ते जुड़ते हर साल जुड़ता रहेगा, और जब आप 34800 में पहुंच जाएंगे, उससे ऊपर जब निकलेंगे तब आप आगे बढ़ जाएंगे, और इधर जो आपको दिख रहा है 15600 वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां पर वहां तक जाना संभव नहीं है, तो यहीं रहते हैं 4200 4600 4800। ठीक है, फिर आता है इंट्री पे। इंट्री पे का मतलब यह है कि अगर आप सातवें वेतन आयोग के पहले आपकी नियुक्ति हुई थी तो आपको पहला वेतन कितना मिलता, तो 4200 ग्रेड पे वाले को मिलता 13500, ये मूल वेतन हो उसका 13500 बनता, 4600 वाले का बनता 17140 और 4800 वाले का बनता 18150। ये चयन वेतन मान है, इंट्री पे जिसे कहते हैं चयन वेतन मान। ठीक है, प्राइमरी के सहायक का चयन वेतन मान 13500 और जूनियर के सहायक का चयन वेतन मान 17140, प्राइमरी के हेड का चयन वेतन मान 17140 और जूनियर के हेड का 18150। ये तो रहा चयन वेतन मान। फिर बात आती है लेवल। सेवंथ पे मैट्रिक्स के अनुसार आपका लेवल क्या है, आपका लेवल अगर आप प्राइमरी के सहायक हैं तो आपका लेवल 6 है, अगर आप प्राइमरी के हेड या जूनियर के सहायक हैं तो आपका लेवल 7 है, अगर आप जो है जूनियर के हेड हैं तो आपका लेवल 8 है, यानी 6 7 8 ये हमारा लेवल हुआ। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों, अब बात करते हैं गुणांक की, अर्थात सेवंथ पे मैट्रिक्स बनाने के लिए आपके मूल वेतन को गुणा किया गया, यानी जो अध्यापक का संवर्ग है, अध्यापक का जो मूल वेतन था उस मूल वेतन को 2.62 2.62 से गुणा कर दिया गया, और गुणा करने के बाद जो राउंड फिगर बना उसी राउंड फिगर के आधार पर उसका मूल वेतन बन गया है। इंडेक्स ये दिख रहा है जो आपको नीचे लिखा है, इंडेक्स के नीचे 1 2 3 4 5 6 7, यानी आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक ये इंडेक्स हो गया 40 तक आपको दिखा सबसे पहले कॉलम में, ये इंडेक्स है। तो आपकी जब प्रारंभिक नियुक्ति होती है, अगर आपकी प्रारंभिक नियुक्ति हो रही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रारंभिक नियुक्ति अगर प्राइमरी के सहायक के रूप में हो रही है तो आपका इंडेक्स 1 हुआ और लेवल 6 हुआ। इंडेक्स 1 और लेवल 6 के नीचे आप देखेंगे तो आपका मूल वेतन होगा 35400। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब आपको वर्तमान से लेना है, पीछे जो चला गया चला गया, वर्तमान की बात बता रहा हूं कि आपका जो मूल वेतन है 1/1/2016 के बाद की बात बता रहा हूं, चाहे वो पहले नियुक्ति हुई रही हो तब भी 1/1/2016 को सभी कर्मचारियों का वेतन इस हिसाब से फिक्स कर दिया गया, इसी के हिसाब से सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर कोई नई नियुक्ति होती है तो वो इंडेक्स 1 में रहेगा, अगर एक साल पुराना है तो इंडेक्स 2 में जाएगा, 2 साल पुराना है 3 में जाएगा, 4 साल पुराना हो गया 4 में जाएगा, 5 साल पुराना हो गया 5 में जाएगा। अर्थात 2016 और 4/2020 अभी जितने भी लोग हैं सभी लोग जो है इंडेक्स 4 में ही चल रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के यहां पूरा आखिरी तक, क्योंकि 4 साल हुआ इस मैट्रिक्स को आए, 2016 में आई थी, 2020 2021 आ गया, तो मान लीजिए कि 5वां साल है, तो 5वें इंडेक्स के सामने ही
पुराने सारे अध्यापक का जो है सारे कर्मचारियों का वेतन इसी से कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि अगर आपकी नई नियुक्ति हुई है तो आप इंडेक्स वन में हैं और लेवल छह में है प्राइमरी का सहायक, 35,400 आपका हो गया मूल वेतन। अगर आपकी नियुक्ति जूनियर के सहायक के रूप में हुई है तो आप इंडेक्स वन और लेवल सेवन में आएंगे, आपका मूल वेतन बनेगा 44,900। और इसी तरह से मान लीजिए कि आपको प्रमोशन मिला और आप जूनियर के हेड बन गए, तो पहले साल ही आपका हेड बनेंगे तो आपका मूल वेतन हो जाएगा कितना, 47,600। ये तो रहा जो है 2016 की बात। अगर अभी हमारे जो अध्यापक वर्ग हमारा नियुक्त हो रहा है, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक वेतन कितना होगा, प्रारंभिक वेतन होगा उसका मूल वेतन कितना होगा, प्रारंभिक मूल वेतन होगा 35,400, क्योंकि प्राइमरी के सहायक का ग्रेड पे 4200 है, ठीक है। छठवें में था मूल वेतन 13,500 और सातवें वेतन आयोग में उसका मूल वेतन हो गया 35,400। इसी मूल वेतन पर डीए लगता है, डीए डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, ठीक है। और इसी मूल वेतन के आधार पर आपका जो है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस जिसे कहते हैं गृह कर भत्ता, वो भी लगता है आपके मूल वेतन के आधार पर, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो है, आपने देख लिया होगा यहां पर ग्रेड पे लेबल इंडेक्स सारी बातें समझ में आ गए होंगे, पे बैंड आपको समझ में आ गया होगा कि अध्यापकों का जो पे बैंड है वो 9,300 से लेकर के 34,800 के बीच में है और ग्रेड पे 4200 से लेकर के 5400 के बीच में है, इंट्री पे 13,500 से लेकर के 20,280 तक है, लेकिन ये छठे वेतन के हिसाब से था इसलिए आप इसका कोई औचित्य नहीं है। लेवल जो है वो 6 से लेकर के 9 के बीच में है और इंडेक्स जो है, इंडेक्स तो हर साल बढ़ती रहती है। चलिए दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं, आपको बताते हैं इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आपका पहला इंक्रीमेंट कब लगेगा। आपकी नियुक्ति जिस भी डेट को हुई है उसके 6 महीने के बाद, ध्यान दीजिएगा, आपकी नियुक्ति जिस तारीख को हुई है, जिस तारीख को आपने कार्यभार ग्रहण किया है, कार्यभार ग्रहण आख्या में जो तारीख पड़ी हुई है, उस तारीख के ठीक 6 महीने बाद, जो अगर जनवरी आती है तो जनवरी में आपकी वेतन वृद्धि होगी, अगर जनवरी नहीं बल जुलाई आता है तो जुलाई में आपका वेतन वृद्ध होगा। यानी साल में 2 ही महीने हैं वेतन वृद्धि के लिए, जनवरी या जुलाई, ठीक है। दोस्तों मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि अगर आपकी नियुक्ति हुई जिस तारीख को नियुक्ति हुई उसके बाद 6 महीने जोड़ लीजिएगा, 6 महीने के जस्ट बाद अगर जनवरी पड़ रहा है तो जनवरी में आपका 6 महीने के बाद, यानी 6 महीने पूरा होना बहुत जरूरी है, 6 महीने के बाद आने वाली जनवरी या जुलाई जो भी पहले आएगा, अगर पहले जनवरी आएगी तो जनवरी में आपका वेतन वृद्धि लग जाएगा और अगर पहले जुलाई आ गई तो पहले आपका जुलाई में वेतन वृद्धि लग जाएगा। वेतन वृद्धि लगने का मतलब सातवें वेतन आयोग के हिसाब से अब क्या है, पहले तो यह था कि 3% लगता था वेतन जो था, वेतन वृद्धि साल भर में एक बार होता है और 3% के रेट से लगता था, लेकिन अब पे मैट्रिक्स बना दिया गया तो अब 3% वाला फंडा खत्म हो गया। अब वेतन वृद्धि के लिए आप अगली इंडेक्स में पहुंच जाएंगे। अगर आपकी नियुक्ति हुई है 35,400 में और आपकी वेतन वृद्धि लग गई तो आप पहुंच गए कहां पर, उसके नीचे देखिए 36,500 में, फिर अगले साल पहुंच जाएंगे 37,600 में, फिर अगले साल पहुंच जाएंगे 38,700 में, फिर अगले साल पहुंच जाएंगे 39,900 में, फिर अगले साल पहुंच जाएंगे 41,100 में, ठीक है। दोस्तों मेरी बात को समझ रहे हैं, तो जो लोग 2016 के पहले नियुक्त हुए थे प्राइमरी के सहायक अभी बने हुए हैं तो उनका मूल वेतन 41,100 पर पहुंच गया है, लेकिन जो अभी नियुक्त हो रहे हैं वो भी इस फंडे को समझ लें कि आपका शुरुआती जो वेतन लगेगा मूल वेतन कितना होगा, 35,400, और इंक्रीमेंट जब लगेगा तो हो जाएगा 36,500, अगले साल फिर बढ़ेंगे तो 37,600, फिर आगे बढ़ेंगे एक साल तो 38,700, फिर आगे बढ़ेंगे तो 39,900, इस रेट से आपका चलता रहेगा।
दोस्तों मुझे यह भी कहना है कि 2016 के पहले जो भी टीचर थे उनका मूल वेतन जितना था उसको 2.62 से गुणा करने के बाद जो नियर अबाउट फिगर आता है 2016 के बाद, शुरुआत में उनका मूल वेतन वही बना, उसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो नए नियुक्त हुए हैं वो पहले इंडेक्स को फॉलो करेंगे, पहले के सामने देखेंगे 35,400 उनका मूल वेतन है, उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमने मूल वेतन आपको समझा दिया कि मूल वेतन क्या होता है और सेवंथ पे मैट्रिक्स क्या होती है ये भी यहाँ पर दिया हुआ है। नेट पर भी सर्च करेंगे तो आपको ये सेवंथ पे मैट्रिक्स सभी जो है ग्रेड पे के लिए आपको मिल जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई ये सेवंथ पे मैट्रिक्स है। जैसे जैसे आपका इंक्रीमेंट हर साल बढ़ता जाएगा आपकी इंडेक्स बढ़ती जाएगी, इंडेक्स बढ़ती जाएगी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। और इधर आप देखेंगे, इधर अगर आप देखेंगे तो अगर आप 4200 के नीचे आते जाएंगे तो आपका इंक्रीमेंट अपने आप समझ में आता जाएगा कि पहले 35,400 था, फिर 36,500 होगा, फिर 37,600 होगा, फिर 38,700 होगा, फिर 39,900 होगा, 41,100 होगा, 42,300 होगा, 43,600 होगा। हर साल यही इंक्रीमेंट है। अब 3% वाला फंडा खत्म हो गया, अब आपको सेवंथ पे मैट्रिक्स देखना है कि 44,900 होगा, 46,200 होगा, 47,000। इस तरह से हर साल आपका जो है इंक्रीमेंट बढ़ता जाएगा। अगर इंक्रीमेंट जनवरी में लगता है तो जनवरी में बढ़ जाएगा मूल वेतन, अगर आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लगता है तो आपका इंक्रीमेंट जो है जुलाई में हो जाएगा। ये तो रहा मूल वेतन। अब मूल वेतन का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम डीए की। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस अर्थात महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता इस समय 17% मिल रहा है और बढ़ते बढ़ते ये जो है 28% तक पहुंच गया है, लेकिन अभी सरकार ने इसको अलाउ नहीं किया है। महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जुलाई में। तो अभी चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने महंगाई भत्ते को फ्रीज किया है इसलिए जो है लॉकडाउन के पहले ही 17% था और वही 17% मिल रहा है। और ये जो महंगाई भत्ता है किस पर निकाला जाता है? मूल वेतन पर। जो अभी मैंने आपको इतनी देर से समझाया मूल वेतन, उसी मूल वेतन पर महंगाई भत्ता निकाला जाता है। अगर 17% है तो मूल वेतन गुणे 17/100 कर लीजिए तो आपको महंगाई भत्ता मिल जाएगा, और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ देंगे तो आपका वेतन बन जाएगा, प्लस उसके साथ एचआरए जोड़ना पड़ेगा, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, उसके बारे में मैं अभी आगे आपसे चर्चा करूंगा। पहले एचआरए कम मिलता था, अब एचआरए ज्यादा मिल रहा है। मैट्रिक्स लेवल वेतनमान पहले और अब रुपए में। दोस्तों अगर आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रेड बी के शहर में रह रहे हैं, ग्रेड सी के शहर में रह रहे हैं, तो हर प्रकार से अलग अलग जो है एचआरए होता है। ठीक है, एचआरए फिक्स होता है। ठीक है, ग्रेड पे के हिसाब से एचआरए रखा गया है। ओके, तो हम ले चलते हैं अध्यापकों को ग्रेड पे में, और यहां पर आपको हम दिखाते हैं 4200। अगर 4200 ग्रेड पे आपका है तो पहले जो है एचआरए 2020 मिलता था, अब मिल रहा 4040। जिसका जो लेवल 6 है उसकी बात कर रहे हैं। अगर आपका ग्रेड पे 4600 है तो पहले मिलता था 2760, अब मिल रहा 5520। शहरी क्षेत्रों के लिए है। जिसका लेवल 8 है, 4800 ग्रेड पे है, उसको 2810 और जो है पहले मिलता था, अब मिलता है 5620। ठीक है, तो लेवल 8, लेवल 9 में जिसका 5400 ग्रेड पे है, पहले उसको 3150 मिलता था, अब मिलता है 6300। ये शहरी क्षेत्रों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अब हमको इस लेवल से कोई मतलब नहीं है, इधर साइड में आ जाइए। यहां पर देखिए, ये आप देखिए ऊपर वाली जितनी बातें बताई गई हैं वो किन शहरों के लिए है? लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, इन शहरों के लिए है। क्लास बी के शहरों में, जो क्लास बी के शहर हैं उनके लिए क्या स्थिति है? आप देखिए यहां पर 4200 को देखिए, पहले 1010 मिलता था, अब मिलता है 2020। ठीक है, 4600 को पहले 1380 मिलता था, अब मिलता है 2760। ठीक है, 4800 ग्रेड पे को पहले 1405 मिलता था, अब मिलता है 2810। और 5400 ग्रेड पे को पहले 1575 मिलता था, अब मिलता है 3150। तो यही छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और यहां देखिए, ये चलने दीजिए। अब आते हैं यहां पर सभी जिला मुख्यालय और 50,000 से 5,00,000 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए, क्लास सी के शहरों में। तो क्लास सी के शहरों में हमें 4200 देखना है। 4200 ये देखिए, 4200 दिख रहा है लेवल 6। पहले 670 मिलता था, अब मिलता है 1340।
ये प्राइमरी का है दोस्तों, यही यही आपको ध्यान देने की जरूरत है, वर्तमान की जरूरत है, यही आपके काम की चीज है। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी के सहायक अगर आप हैं तो आपको इस समय एचआरए मिलेगा 1340। अगर आप जूनियर के सहायक हैं या प्राइमरी के हेड हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 1840 रुपए। एचआरए की बात कर रहा हूं, हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। और अगर आप जो है जूनियर के हेड हैं, लेवल 8, पहले 935 मिलता था, अब मिलता है 1870 रुपया। और अगर आप इंटर कॉलेज में हैं, पहले जो है 1050 मिलता था, अब मिलता है 2100। तो हमें मतलब रखना है इसी से, 1870, 2100। और यहां आपने क्या देखा, यहां आपने देखा 1340, 1840, अर्थात 1340 प्राइमरी, 1840 जूनियर या प्राइमरी का हेड, और 1870 जूनियर का हेड। कि आपका कुल वेतन कैसे बनेगा, तो हमने ऊपर मूल वेतन के बारे में बताया, आप मूल वेतन ले लीजिए और प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता 17%, मूल वेतन का 17% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए, और प्लस एचआरए। ये तीनों जोड़ने के बाद जो बचेगा उसमें से कटौती, कटौती दो तरह की होती है, एक कटौती तो एनपीएस होती है, एनपीएस, ठीक है, एनपीएस जो नए टीचर हैं 2004 के बाद नियुक्ति हुई है उनका एनपीएस कट रहा है। एनपीएस कैसे निकलता है, मूल वेतन प्लस डीए का 10%। मूल वेतन और डीए निकालने के बाद मूल वेतन में जब जोड़ेंगे तो जितना आएगा उसका 10% निकाल लेंगे तो एनपीएस उतना कट जाएगा, तो कटौती की जगह उतनी राशि रख करके घटा दीजिएगा। अगर आप पुराने टीचर हैं, आपका जीपीएफ कट रहा है, तो जितना आपका जीपीएफ कट रहा है कटौती की जगह उतना रख करके घटा दीजिएगा। अगर आपका इनकम टैक्स हर महीने कटता है तो उसको भी कटौती में जोड़ करके घटा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जितनी भी कटौतियां हैं उनको घटाने के बाद जो बचेगा आपका, वह जो है मूल वेतन आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों जो है मैं समझता हूं कि आपको सारे प्रश्नों का जो है उत्तर यहां पर मिल चुका होगा। अगर कुछ छूट रहा है और फिर भी आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, नए टीचर हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी सारी समस्याओं का हल मेरे पास है। जो भी कंफ्यूजन आपको होगा दोस्तों, मैं अपनी ग्रेविटी के अनुसार उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।